क्या नाम है आपका? मेरा नाम खिरसाई देवांगन है। मैं एक पंच हूँ और तीन जने और पंच है यहाँ पर, महिला पंच। जो हम लोग चुनाव के लिए आज 11 बजे अंदर जा रहे थे, फिर पुलिस वाले धक्का मार के निकाले हैं और गाली गलौज भी किए हैं पुलिस वाले। क्या उन लोग को अधिकार है कि धक्का मार के बाहर निकालना? हम लोग अविश्वास का विरोध करते हैं। पंच लोग को भी धक्का मार के निकाले हैं पूरा। तो आप लोगों के द्वारा ये सड़क जाम क्यों किया गया है? हम लोग चुनाव को महिला का अपमान भी हुआ है और चुनाव को विरोध करते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग चक्का जाम किए हैं, बहिष्कार करते हैं। प्रस्ताव लाया गया, उसका विरोध कर रहे हैं जी। मेरा नाम प्रतीक कुमार देवांगन है, सरपंच ग्राम पंचायत भौरपुर। जी, आपके द्वारा आज भौरपुर के मुख्य मार्ग को अवरोध किया गया है। मैं और मेरे पंच, चार पंच थे मेरे साथ में, हम लोग अविश्वास प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है उसमें हम लोग पंचायत अंदर प्रवेश कर रहे थे। एक महिला पुलिस के द्वारा पंचों का हाथ पकड़ के निकाला जाना और उसके बाद गेट के पास निकालने के बाद गेट में पंच लोगों को गाली देना, जनता को गाली देना, और वो पुलिस वाला दारू पिया हुआ है, ये कौन सा नियम है? और क्या 16 पंच ही अविश्वास प्रस्ताव कर देंगे? और मेरे चार पंच लोगों को क्यों अंदर नहीं प्रवेश कराने दिया? नियम और मैं इसके यथार्थ और सत्यता की मांग करता हूँ। क्या ये जो चीज़ किया गया है आज ये उचित है? क्या वजह है कि 16 लोगों के द्वारा आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है? 16 लोग कहना चाहिए, यहाँ हम लोग एक प्रशासन का आदेश था कहना चाहिए, एक कब्जा बेदखली था, एक कब्जा बेदखली तोड़वाया, पूरा के पूरा पटेल पंच लोग एक हो के आज मेरा अविश्वास प्रस्ताव कर रहे हैं। तहसीलदार द्वारा आदेश निकाला गया और एक प्रशासन का आदेश मान के मैं कब्जा बेदखली में सहयोग किया, जिसके कारण आज मुझे अविश्वास प्रस्ताव करके निकाला जा रहा है। ये जाम तब तक रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमको। न्याय की मांग है, न्याय की मांग। क्या एक प्रतिनिधि एक पंचायत के पंच को इस प्रकार पुलिस गुंडागर्दी करेगा और एक पंचायत के पंच को निकालने का अधिकार रखता है? वहाँ पे 20 पंच उपस्थित होना था तब अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया चालू की जा रही थी। अधिकारी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? परेशानी का सामना तो आज पुलिस के कारण किया जा रहा है। जो सहयोग करते कहना चाहिए, आज वो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पता नहीं किस राजनीतिक सत्ता के को आज वो सपोर्ट कर रहे हैं और पंचों को और सरपंच को बाहर निकाला गया है। क्या चक्का जाम के अलावा कोई और रास्ता नहीं है जिससे कोई पहले? नहीं, हम लोग तो न्याय की मांग करते हैं। जो अधिकारी है वो सुने हमारी बातों को और उनके कानों तक ये आवाज जाए कि आज जो पुलिस वाले लोग क्या किए वो क्या सही है, यही चीज चाहते हैं और हम न्याय की मांग करते हैं। न्याय का निर्धारण कर आज जो पीड़ासीन अधिकारी थे, हाँ, हम ये सब समस्या को लेकर क्या उनको अवगत कराए हम लोग पीड़ासीन अधिकारी को, लेकिन फिर भी दरवाजा खोल के वो अंदर नहीं करवाए पंचों को। इसका मैं विरोध करता हूँ। उनको पंचों को अंदर कराना था जो नहीं करवाए हैं वो। अविश्वास प्रस्ताव बहुत जगह हुआ, लेकिन पूरे पंचों को लेके किया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। सबको अंदर करना था, नियम था। या तो अगर वो सोलह को निकालने का अगर आप लोग दम रखते पुलिस वाले लोग, तो 16 को भी निकालिए। वो जो चार को निकाला गया है अनुचित है, मैं इसका विरोध करता हूँ। गलत है, गलत को गलत बोलेंगे। हम लोग सराहिदा से वहाँ घुस जा रहे थे, हम लोग अंदर गए, महिला पुलिस पकड़ के निकाल देना। वो भी पुलिस स्टाफ दारू पिया हुआ, सबसे बड़ी बात तो है। नहीं तो दारू पी के गाली बकेगा? अरे हमारे में कोई गाली बका गया? कोई गाली दिया? एक शब्द गाली नहीं दी, एक शब्द अनुचित नहीं बोले। लेकिन पुलिस ये तो गुंडागर्दी है, सीधा सा गुंडागर्दी। हम लोगों के ऊपर पूरा गुंडागर्दी करोगे तो हम लोग थोड़ी सुनते रहेंगे? यदि इन लोगों का अगर पंजाब में नोट नहीं था तो सोचा जाना था जनता को चार विमर्श ना दें। उसके बाद प्रकाश बिना सूचना के पंचायत में जनता जा सकत सूचना चौकी प्रभारी वाला पहले ना जनता को जानकारी नहीं है।
नहीं होना है। सर यहाँ ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आज के अविश्वास प्रस्ताव में उनको शामिल होने नहीं दिया गया, पुलिस कर्मियों द्वारा उनसे बदतमीजी की गई, शराब पीकर महिलाओं को बाहर निकाला गया, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? वो बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। तहसीलदार साहब भी हमने भी निवेदन किया कि जितने पंच सरपंच है जिनको अधिकार है वोट देने का, वो निमंत्रण था उनको आने के लिए, हमने भी कहा, उनको तहसीलदार ने भी कहा कि वो भी आ सकते हैं। आखिरी में एक बार और रिमाइंडर के तौर पे और उनको एक बार कहा गया कि आ जाइए। अब वो नहीं आना चाह रहे थे, बेबुनियाद मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी तहसीलदार इनके जान करने की वजह से यहाँ पे अभी यातायात की व्यवस्था, उनको हटाने के लिए ही उनसे बात किया जाएगा अभी, कि जाम करने की अनुमति ऐसे भी मिली नहीं है उनको। इस टाइप का विरोध करना उनके लिए उचित नहीं है, जो ठीक बात नहीं है, तो उनको समझाइश दिया जाएगा इस चीज़ के लिए। उनका कहना है कि जब तक पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक वो नहीं हटेंगे। वो शिकायत करना हो तो उस संबंध में शिकायत कर सकते हैं, उन्हें कोई आपत्ति, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जो भी है। थोड़ी देर में अगर ये नहीं हटाते हैं क्या इन्हें बलपूर्वक हटाया जाएगा? वो बात करने के विषय है उनके ऊपर। सर साहब, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं आप नहीं देखिए तो भंवरपुर की राजनीति इतनी गंदी राजनीति हो गई, एक आदमी का कब्जा बेदखली किया गया, एक अघरिया का कहना चाहिए, एक पटेल का कहना चाहिए, कब्जा बेदखली के कारण में मेरे को कहना चाहिए आज पंचायत से अविश्वास प्रस्ताव करके गिराया जा रहा है। इतना 13 अघरिया पंच लोग हो गए तो आज अविश्वास प्रस्ताव कर देंगे और उसके बाद उतनी में राजनीति चलना कि उसी 16 पंचों को अंदर घुसाना और बाकी हम लोगों को बाहर निकाल देना। मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, लेकिन कम से कम न्याय तो दीजिए, न्याय की मांग करता हूँ मैं आप लोगों को। इतना गलत तो मत किया जाए शासन के तरफ, प्रशासन का साथ दे रहे हैं हम लोग, कहना चाहिए, उसके बाद इस तरीके से किया जा रहा है। बिल्कुल न्याय मिलेगा, न्याय भरोसा, बिल्कुल न्याय। यहाँ जो प्रक्रिया थी उसको आप लोग नहीं रोका, हमने जो प्रक्रिया थी उसका पालन किया ना। अब इनके पास जो रास्ता है बिल्कुल है, खुला हुआ प्रक्रिया का पालन कहा हुआ है सर? चार पांच को बाहर निकालने रकम उसी बात करेंगे ना, सभी बात है सर, बात करेंगे। जनता को कोई जानकारी नहीं, क्या नहीं है पंचायत साहब आए हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद बोल नहीं रहे वहाँ की कि आप लोग नहीं आ सकते, पंच के लोगों को प्रवेश बोल के, और उसके बाद एकदम धक्का दे के निकाल देना, ऐसे मारे पीटे जैसे निकाल देना। और वो एक महिला पुलिस कहना चाहिए, जो महिला पुलिस है वो पंच का हाथ पकड़ के निकाली मेरे सामने में, वीडियो भी है हमारे पास। निराकरण कीजिए सर, तो ठीक है सर, निराकरण कीजिए सर। आज भंवरपुर के विकास के लिए हम लोग पहल किए, कहना जी सीएम साहब को बुलाए हैं, आज तकलीफ हो रही है कि एक सरपंच को हटाना है उनको और नगर पंचायत बनने वाला भंवरपुर, आज नगर पंचायत के कारण आज अघरिया लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के कारण मेरे को हटा रहे हैं, और शासन प्रशासन आँख बंद करके कहना चाहिए, पूरा राजनीति का गंदा खेल खेला जा रहा है यहाँ। ये तो शासन प्रशासन का कितना कर दिया सर, हम लोग तो कोरोना काल में सरपंच बने कहना चाहिए, तकलीफ में पूरा तकलीफ दे रहे, पूरा जनता को खाना खिलाया कहना चाहिए, उनका सब सेवा की है, और उसके बाद आज इतना तकलीफ, जितना खर्चा किए एक रुपया निकल नहीं पाया कहना चाहिए, और उसके बाद सीएम साहब का कार्यक्रम करवा रहे हैं, आज जनता को खुश होना चाहिए। आज ये पंच लोग का विश्वास प्रस्ताव नगर पंचायत अध्यक्ष बनने की झूठी और इनकी रंजी से कहना चाहिए और कूटनीति कर रहे हैं लोग नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए, एक सरपंच को हटा रहे हैं। खत्म नहीं हुआ है आपका पंच है, अब आगे आपका खुला हुआ है, वो है नियम सर करेंगे, वैधानिक नहीं तो साहब और विश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया एक चीज जो प्रक्रिया था वो प्रक्रिया पूरा हो, इसमें जहाँ रास्ता निकल सकता वहाँ रास्ता निकल ना, यहाँ बैठे रास्ता संख्या होता है, संख्या है उसी मुद्दे पे आगे हम लोग पंच है बोलने से भी नहीं माने।
अपना परिचय देंगे। मैं श्रवण कुमार पटेल, ग्राम पंचायत भंवरपुर के पंच। आज गांव के सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है जिसमें 16 पंचों के हस्ताक्षर हैं, क्या वजह है? ये सरपंच निष्क्रिय है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम करता है तो पूछता भी नहीं और पंचों को विश्वास में लेकर नहीं चल रहा। अच्छा, उनका आरोप है कि अवैध अतिक्रमण हटाने की वजह से राजनीतिक साजिश कर उनके खिलाफ ऐसा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।